गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, लेट कंटिन्यू विथ आर टूडेज लेक्चर मैथमेटिक्स सेवेंथ स्टैंडर्ड. टूडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ अ फिफ्थ लेसन, दैट इज ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स. ओके, सो हमने ऑलमोस्ट पूरा, आधे से ज्यादा जो लेसन है वो कवर अप किया है. लास्ट एक्सरसाइज बाकी, जो आज हम कंप्लीट करके नया लेसन देखेंगे. सो इस लेसन में हमने क्या क्या देखा वो पहले देखते हैं. पहले रैशनल ऑपरेशन मतलब क्या रहता है? ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसे कहते हैं ऑपरेशन. ये सब मिला के एक वर्ड होता है ऑपरेशन. रैशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन में, ये जो नंबर्स देख रहे हैं इसे कहते हैं रैशनल नंबर्स. जो फ्रैक्शंस में रहते हैं उसे कहते हैं रैशनल नंबर्स. ओके, उसके बाद हमने कुछ एक्सरसाइज देखी थी ऑपरेशन से रिलेटेड. जैसे प्रैक्टिस से 27 देखा था, उसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रैशनल नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते वो हमने देखा था. आफ्टर दैट वी सॉ प्रैक्टिस से 23 इन विच वी सॉ, यहाँ पे मतलब यह दे हैड गिवन अस टू नंबर्स, वी हैव टू सी द रैशनल नंबर विच लाइज बिटवीन दीज टू नंबर्स. Which three rational numbers that lies between the two given number? यहाँ पे जो दो numbers दिए इसके बीच में जो three rational number रहते हैं वो हमें बताने रहते. फिर वो हमने किया practice से 23 भी complete हो गया. अब उसके बाद हमने 24 देखा practice से 24, जिसमें वो बहुत simple था, divide सिर्फ हमें division करना था. जो 4 को 13 से divide, 8 को -7 से divide. उसके बाद यहाँ पे हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया था, उसको हमने प्रॉपर या इनप्रॉपर में पहले कन्वर्ट करना है. मतलब इसे कहते हैं प्रॉपर या इनप्रॉपर. ओके, तो ऐसे फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना रहता है. उसके बाद हम जो भी नंबर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे. सेम आगे के भी हमने सम्स सॉल्व किए थे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी अ लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन, आई मीन प्रैक्टिस ऑफ दिस लेसन. इसमें हम देखेंगे सब, एक सम में सब आता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एवरीथिंग. ओके, तो वो सम्स हम सॉल्व करने वाले हैं. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो प्रैक्टिस से 25 में, इस फर्स्ट वाले में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन आता है. इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, इसमें भी. यहाँ पे फोर्थ वाला मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाली थी. आई होप लेट इट बी, मैंने सोचा कि रहने दो, थोड़ा डिफिकल्ट है. सब अलग अलग सेम है, सेम नहीं है, अलग अलग सम्स है. अगर सेम रहते तो मैं आपको होमवर्क के लिए देती, लेकिन अलग है तो मैं खुद करूँगी सब. तो प्रैक्टिस से 25 में आपको कोई होमवर्क नहीं है. अभी इसके इसे सम कर सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट रूल क्या है, ये बॉड मास, इसे कहते हैं BODMAS, बॉड मास. बॉड मास मतलब बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ, जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन रहेगा, इसका मतलब जो फ्रैक्शंस में रहेंगे वो हम सॉल्व करेंगे पहले. उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन. ओके, पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का देखेंगे, उसके बाद जो फ्रैक्शंस में रहेंगे उसे हम देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल ऐसा रहा 1/4 ऑफ 200, तो 200 मल्टीप्लाई 1/4 ऐसा कुछ रहेगा तो हम करेंगे. उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे. ओके, अब हम सम सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा. तो लेट्स सी फर्स्ट वन, 50 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 24. तो ये वाला आपका फर्स्ट वाला सम है. तो सबसे पहले हमें क्या दिया था, बोर्ड मास. तो बोर्ड मास फर्स्ट ब्रैकेट देखना है, यहाँ पे ब्रैकेट अब हमें नहीं दिख रहा. उसके बाद ओ, उसके फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा. फिर आता है डिवीजन, अभी आपको यहाँ पे डिवीजन दिख रहा है, राइट. तो हम क्या करेंगे, पहले 50 डिवाइड कैसे होगा, 5 डिवाइड बाई 2 कैसे आएगा, 5 डिवाइड बाई 2 आ गया प्लस 24. ओके, अब देखो ब्रैकेट नहीं है, ओ फ्रैक्श. अभी आप ये बोलोगे मिस फ्रैक्शन में मल्टीप्लीकेशन और फ्रैक्शन सेम आएगा इसके बाद, मतलब डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे सेम होगा, राइट. तो ब्रैकेट में है तो कैसे होगा, देखो 2 से हम पहले करेंगे डिवाइड, 2 1 2 2
टू टू जा फोर, एक रह गया टू फाइव जा टेन, तो आके आ गया 25. 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 24. अब देखो ब्रैकेट नहीं है, फ्रैक्शन में भी नहीं है, डिवीजन हमने कर लिया है, मल्टीप्लीकेशन अब आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है. सो हम मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 यहाँ पे, 5 2 जा 10 और 2 12, 125 प्लस 24. अभी लास्ट तो एडिशन ही बाकी है, तो हम क्या आंसर आएगा 125 प्लस 24 149. सिंपल, ये आ गया आपका आंसर. सेम आपको आगे वाले करने हैं. अब हम सेकंड देखते हैं. सेकंड क्या है, थर्टीन मल्टीप्लाई ब्रैकेट 13 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 2 माइनस 24, सॉरी 26 है, 24 नहीं है 26 है. और रूल क्या है, बोडमास राइट, ये फिर उसके बाद ऐसे भी ब्रैकेट. अभी यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. तो क्या करेंगे, 13 मल्टीप्लाई 4 कितना 52, ये जैसे है वैसे ही लिखेंगे, माइनस 26. ब्रैकेट हमने सॉल्व किया, फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, डिवीजन डिवाइड हमें दिख रहा है तो हम डिवाइड करेंगे. 52 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, अभी 2 से 52 को आपने डिवाइड किया तो कितना आएगा 2, 26 माइनस ये 26. अभी आप सोचोगे 26 कैसे, तो मैं आपको दिखाती हूँ. हम यहाँ पे एक डिवाइड रफ में करते हैं, 2 को 52 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 1 रह गया ये 2, 2 खा नीचे आ गया, 2 6 जा 12, क्या आ गया आपका 26 राइट. 26 माइनस 26 कितना आ गया, 0. तो इसका आंसर क्या आ गया, 0. अब हम देखते हैं थर्ड. थर्ड क्या है, 140 डिवाइड बाय ब्रैकेट, उसके अंदर और ब्रैकेट, माइनस 11 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 42 डिवाइड बाय 14 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे और एक ब्रैकेट. यहाँ पे शायद से ब्रैकेट नहीं है, ये बाय मिस्टेक दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में. ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, क्या रूल है बोडमास का, फर्स्ट वाला हम देखेंगे ब्रैकेट. ओके, तो पहले हम देखेंगे ब्रैकेट, ये 140 वैसे ही रहेगा. पहले हम जो ये वाला ब्रैकेट रहने देते हैं, पहले जो अंदर वाले ब्रैकेट है वो सॉल्व करते. अब फर्स्ट हम करेंगे ये वाला, आप चाहिए तो यहाँ से भी फिर से ले सकते हो. बी नहीं है ब्रैकेट हम अभी सॉल्व करने वाले, ओ नहीं है डिवीजन डिवाइड, यहाँ पे है, यहाँ पे कोई डिवाइड नहीं है, फिर मल्टीप्लिकेशन. नहीं तो हम ब्रैकेट पहले नॉर्मल सॉल्व करते. 11 मल्टीप्लाई 3 33, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस ये माइनस माइनस हो गया प्लस. ओके, प्लस लिखेंगे 42 डिवाइड बाय 14 माइनस 1. तो हमने पूरा ब्रैकेट सॉल्व किया, ये वाला जो ब्रैकेट थे ये हमने सॉल्व किए. अब हम ये जो अंदर है वो पहले पूरा सॉल्व करते हैं. तो पहले क्या है, ब्रैकेट ये नॉर्मल ब्रैकेट है, ओ फ्रैक्शन नहीं है, डिवीजन आपको यहाँ पे दिख रहा है डिवीजन, तो हम डिवाइड का पहले सॉल्व करते हैं. 33 प्लस 42 डिवाइड बाय 14 आंसर आएगा 3. ओके, 14 3 जा 42 आता है, माइनस 1. ओके, तो ये वाला भी हो गया 140 डिवाइड बाय, और है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है. पहले हमें क्या करना है, एडिशन करना है, यहाँ पे लिखा है एडिशन.
आप देख सकते हो मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या आता है एडिशन। तो हम पहले एडिशन करेंगे, 33 प्लस 3 कितना आता है 36, ओके 36 माइनस 1। अब हम ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो जाएगा हमारा, 36 माइनस 1 कितना आ गया 35, एक नंबर रह गया तो ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो गया। ओके 140 डिवाइड बाय 35 4 आता है, 35 4 जा 140 आपको चाहिए तो आप देख सकते हो, देखो 140 हम 35 देखते हैं, ओके 35 4 जा कितना आता है हम देखते हैं। अब आप बोलोगे मिस कैसे क्या आपने 35, आपको कैसे पता चला कि 35 4 जा 140 आ गया, टेबल की है 5। अब देख सकते हो 35 और यहाँ पे 40 है, मैं आपको ऐसे नॉर्मल सॉल्व करके दिखाती हूँ क्योंकि वो बहुत टिप्स एंड ऑल है। 4 5 जा 20, 2 कैरी 0 यहाँ पे, 4 3 जा 12 13 14 क्या आ गया आंसर आपका 140 140। 35 4 जा 140 तो आंसर क्या आ गया 4। थर्ड वाला भी सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ब्रैकेट में ब्रैकेट है। फोर्थ वाला क्या है, ब्रैकेट 220 माइनस 140 प्लस और एक ब्रैकेट 10 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 इसके बाद ये वाला ब्रैकेट क्लोज होता है, ये वाला भी, और लास्ट में है माइनस 100। अभी बहुत बड़ा आप सोचोगे कॉम्प्लिकेटेड है, तो बिल्कुल नहीं। हम पहले क्या करेंगे, जो इसके अंदर जो ब्रैकेट्स है वो हम सॉल्व करेंगे, जैसे ये वाला ब्रैकेट, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट जो है वो हम पहले सॉल्व करेंगे। ओके सो 220 माइनस 140 कितना, देखो 0, 22 माइनस 14 80 आ गया, प्लस ये वैसे ही ब्रैकेट रहने दो, 10 9 जा 90 प्लस ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, सॉरी प्लस माइनस माइनस आता है तो यहाँ पे माइनस आएगा, 2 5 जा 10 ये ब्रैकेट क्लोज करते 100 80। अब ये वाला ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं, 90 माइनस 10 कितना 80 ये ब्रैकेट हो गया, 80 प्लस 80 160। अब ये ब्रैकेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा तो सॉल्व हो गया, इक्वल टू 100, 160 माइनस 100 60, तो ये आ गया आपका आंसर। वेरी सिंपल, पहले हमने क्या किया, जो ब्रैकेट थे ये अंदर के ये वाला, फिर ये सॉल्व किए, उसके बाद ऐसे ब्रैकेट के सॉल्व करके आपको पहले आपको ब्रैकेट का सॉल्व करना है, उसके बाद आपको जो फ्रैक्शंस रहेगा वो, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फिर सबट्रैक्शन। ओके पहले सबसे पहले अगर कहीं पे ब्रैकेट होगा तो वो पूरा ब्रैकेट का करने का, उसके बाद फ्रैक्शंस में होंगे तो फ्रैक्शंस में सॉल्व करने के। अब ब्रैकेट में एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन आने वाले हैं तो आपको वो सॉल्व करना है, लेकिन पहले आप ब्रैकेट का सॉल्व करोगे। ओके फोर्थ वाला हो गया, अब हम फिफ्थ वाला देखते हैं जो बहुत सिंपल है। फिफ्थ वाला मैं यहीं पे सॉल्व करती हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ओके फिफ्थ वाला मैं इसी बॉक्स में सॉल्व कर रही हूँ तो आप देख लो। फिफ्थ वाला क्या है, 3/5 प्लस 3/8 डिवाइड बाय 6/4। तो हम पहले क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं, फर्स्ट डिवीजन आता है। तो अब देखो 3/5 ऐसे ही रहेगा प्लस 3/8। अभी हम ये डिवाइड का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये उल्टा होगा, मतलब 4 ऊपर और 6 नीचे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3/5 प्लस, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3 3 2 6 4 1 4 4 2 8
तो क्या आ गया आपका आंसर, 1 1 ज़ 1, 2 2 ज़ 4। अब इसको हम ऐड करते हैं, तो ऐड कैसे करेंगे, हम देखा था हमने ऐड कैसे करते हैं, वो क्या करेंगे, पहले 4 3 ज़ 12, 5 1 ज़ 5, अपॉन 5 4 ज़ 20, 12 + 5 = 17, और जो 20 है वैसे ही रहेगा, तो आ गया आपका आंसर। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको कॉपी करना है तो करो, ये आपका फिफ्थ वाला। ओके, तो ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट लेसन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट लेसन है इंडाइसेस। अभी इंडाइसेस बहुत सिंपल मैं बोलूँगी, तो हमने जो पहले ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस वाला देखा था, रैशनल नंबर्स फिर फ्रैक्शंस पे भी देखा था लेसन, सबसे इजी वाला इंडाइसेस लेसन है। सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए बहुत अच्छे से, टेबल आने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, तो बहुत इजी लेसन है। अभी इंडाइसेस मतलब क्या मैं आपको बताती हूँ। अभी देखो यहाँ पे देखो क्या दिया है, 4 नंबर्स आपको ऐसे दिए हुए, एक एग्जाम्पल ऐसे ही दिया हुआ है आपको, एक नॉर्मल रिविजन। अभी देखो यहाँ पे कितने दिए, 4 4 के बंच दिए, कितने बंच है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बंचेस है बुक्स के, 4 4 बुक्स है। ओके, तो ये हम टोटल करेंगे कि तो कितना आएगा, 28। ओके, तो ये एक आपको ऐसे एग्जाम्पल में बताया है। भाई इंडाइसेस मतलब क्या रहेगा, देखो अभी यहाँ पे क्या आया, 4 अपॉन, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे ही कुछ, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे नोटबुक में एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 4 + 4 + 4 + 4, हमने 5 बार 1 2 3 4 5 बार 4 प्लस करेंगे, आंसर क्या आएगा, 20। अभी कैसे, 4 + 4 ऐसे आप 4 4 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर, 20। अब इंडाइसेस फॉर्म में कैसे होता है, अभी देखो यहाँ पे 2 raised to 4, हम यहाँ पे 5 लेते, 2 raised to 5 लेते। ओके, हमने क्या लिया, 2 raised to 5, ये जो ऊपर रहता है उसे हम कहते हैं इंडेक्स, क्या कहते हैं, इंडेक्स, और जो नीचे रहता है उसे कहते हैं हम बेस। ओके, हम यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे 2 upon क्या दिया है, 8 दिया है, राइट, ऊपर जो रहता है उसे कहते हैं इंडेक्स और जो नंबर रहता है उसे कहते हैं बेस। ओके, अब 2 upon 8 का मतलब क्या है, हम 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अभी आप यहाँ पे क्या लिया है हमने, 2 upon 5, मतलब हम 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 and 5, समझा आपको, 2 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद हम अभी इसको, ये जो है, ये जो आपका है, इसे हम 2 raised to 5 कह सकते हैं, 2 power 5 कह सकते हैं, 2 power 5, 2 index 5 कह सकते हैं। अभी देखो 2 raised to 5 कह सकते हैं, 2 power 5 कह सकते हैं, 2 index 5 कह सकते हैं, कुछ भी आपको जो अच्छा लगे। ऊपर जो रहता है उसे कहते हैं इंडेक्स, इसे कहते हैं बेस। ओके, तो क्या रहता है, अगर जो आपका नंबर रहता है, जो आपका बेस रहता है, उसे हम इंडेक्स जितना नंबर दिया उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 upon 5 दिया है तो 2 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने देखा 2 को हमने 1 2 3 4 5 बार मल्टीप्लाई किया, फिर उसका आंसर हम निकालेंगे, जैसे 2 2 ज़ 4 4 2 ज़ 8, 8 2 ज़ ऐसे करेंगे हम, 8 2 ज़ 16 16 2 ज़ कितना आ गया, 16 2 ज़ 24 नहीं 32 आता है, सॉरी 32 आता है, 2 2 ज़ 4 4 2 ज़ 8 8 2 ज़ 16 16 2 ज़ 32। ओके, तो ऐसे आपको सॉल्व करने, बहुत इजी है, आपको हम जैसे सम सॉल्व करेंगे वैसे आपको समझ में आता जाएगा आगे। फॉर एग्जांपल देखो, हम और एक एग्जांपल कहते हैं 7 raised to 4, तो हम 7 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 2 3 4, ओके, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, एक्सरसाइज देखते हैं, प्रैक्टिस सेट क्या है, प्रैक्टिस सेट 26।
अभी मैं टेक्स्ट बुक में सॉल्व कर रही हूँ, आपको नोटबुक में ये जो है पूरा ड्रॉ करके सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो आपको कॉलम्स दिए, इंडाइसेस आपको दिए, इसे कहते हैं इंडाइसेस। बेस, जो बेस है उसका वो हमें लिखना है, इंडेक्स है वो लिखना है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म लिखना है और उसकी वैल्यू लिखनी। फर्स्ट वाला देखो 3:4 आपको दिया है। अभी बेस क्या है, 3 बेस है, ये बेस है राइट, 3 बेस है, 4 इंडेक्स है। अब मल्टीप्लीकेशन मतलब 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 को 4 टाइम मतलब 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाई करना है। फिर आपको इसको मल्टीप्लाई 3 3 9 9 3 ऐसे करके आपको मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड करना है। अब हम सेकेंड वाला देखते हैं, 16:3 दिया है। तो बेस क्या है 16, इंडेक्स क्या है 3। अब 16 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 ओके। तो हम इसका एडिशन निकालेंगे, 16 16 16 256 256 16 4096। अभी बहुत बड़ा नंबर है आई नो, लेकिन आपको ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करो। देखो जैसे 16 मल्टीप्लाई 16 करो तो आपका आंसर आएगा 256। अब 256 को एक और बार 16 मतलब आपको 3 दिया है मतलब 1 2 3 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो आपको वैसे करना है। अब यहाँ पे देखो बेस क्या दिया है हमें, -8, तो -8 हमारा बेस हो गया। इंडेक्स क्या दिया है 2, तो ऊपर 2 आएगा ओके। तो -8 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है हमें। अब जब 2 बार मल्टीप्लीकेशन होता है 4 मतलब आपको देखो एक माइनस, दो बार माइनस हो गया, 2 माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो रह गया प्लस। 8 8 जा जो आपको अभी आता है आंसर, तो आपको ऐसे ही आगे लिखना है ये सेम। अब देखो यहाँ पे, अब आप कैसे फाइंड करोगे, बेस क्या रहेगा 3/7 और कितनी बार मल्टीप्लाई किया है 1 2 3 4, तो इसका इंडेक्स क्या रहेगा 4, बेस क्या है 3/7, इंडेक्स क्या है 4। ये अभी -13 का आप खुद सॉल्व कर लो, ये होमवर्क के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इजी है, मैं फर्स्ट थर्ड वाला सॉल्व करूंगी, फर्स्ट थर्ड एंड सेवेंथ सॉल्व करूंगी, बाकी सब आपको होमवर्क के लिए। बहुत इजी है, जैसे मैं ये वाला किया सेम हमें यहाँ पे करना है, दिखाती हूँ कैसे। शायद से ये वीडियो बहुत लंबी जाएगी ओके। देन हम ये जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं ओके। देन स्टूडेंट्स बाय, टेक केयर। और जो आपको होमवर्क के लिए कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये फिफ्थ वाला होमवर्क करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आज हमने नया लेसन स्टार्ट किया है इंडेक्स, और जो पिछले वाला है वो तो बहुत ईजी है, वो सिर्फ आपको कॉपी करके लिखना है। ये वाला टेबल आपको नोटबुक, मैथ्स के नोटबुक में आपको ये टेबल ड्रॉ करके ऐसे आपको लिखना है टेबल में ओके। देन बाय, टेक केयर।